हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, हम हैं आगरा में। क्या क्या बोल रहे थे? लेट्स गो अनदर ट्रिप। ये कटर। सो गाइस, ऑटो बुक कर लिया है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन निकल रहे हैं। हम कहाँ निकल रहे हैं? अबे हम जा रहे हैं अपने दोस्त की शादी में। दोस्त की शादी में? शादी में जा रहे हैं? तू शादी करने जा रहा है? चल यार बैठ यार। एकदम नया कपड़े पहन के, चश्मा उश्मा लगा के, अंगूठी उठी पहन के, एकदम बढ़िया है। जूतों का पैर ना पूछ उछ बना के। क्या शादी वादी है क्या? पूछो भाई से। जन्मदिन ये जन्मदिन है क्या? जन्मदिन है भाई तेरा। जन्मदिन है जन्मदिन। मैं उस तरीके से घुस रहा हूँ जैसे वो मुझे घुस करके चली गई थी। चलो ओवर एक्टिंग बच्चों का। ये ट्रेन है आगरा जाने वाली, अंदर चलते हैं और मैं बताऊंगा आपको पूरा कि क्या प्राइस लगा अंदर जाने का, क्या टिकट के प्राइस है। हम ट्रेन में बैठ चुके हैं गाइस, ये सिर्फ 90 रुपए की टिकट है। 90 रुपए के अकॉर्डिंग ठीक है, ज्यादा सही है, बहुत ज्यादा ठीक है। लुक लाइक बस। तो गाइस ट्रेन मिल गई है, न्यू दिल्ली से ट्रेन ले ली हमने। जो टिकट है वो 90 रुपए की मिली है हमको, सिर्फ 90 रुपए की। और सीट्स आपने देख ही ली है अंदर। अपने 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 दोस्त को छोड़ रखा है भाई, बैग का ध्यान रखियो। ओए अंदर ही रहियो। सो गाइस अब निकलते हैं अपने ट्रिप की तरफ। पहुंच गए हैं। हम कहाँ उतरे हैं? राजा की मंडी। ये इससे नेक्स्ट वाला है आगरा का है स्टेशन, आगरा कैंट का है, लेकिन हम राजा की मंडी उतर गए हैं बिकॉज हमको यहाँ पे कुछ काम है। सो जब हम आगरा जाएंगे सो ब्लॉग तब कंटिन्यू रहेगा। सो 90 रुपीज़ में कितने बज रहे हैं अभी? 9:30 19 रुपीज़ में 19 कैमरामैन टकरा गया है हमारा। ध्यान से बचता कुछ ओए। सो गाइस 90 रुपीज में हम दिल्ली से राजा की मंडी मतलब लाइक आगरा ही पहुंच गए हैं। सो यार ठीक है 90 रुपीज। स्टे ट्यून रहे, बहुत अच्छा व्लॉग होने वाला है। वेलकम बैक गाइस। सो हम हैं आगरा में, हम उतरे थे राजा की मंडी, राइट? राजा की मंडी उतरे थे। सो हमने उसके नियर बाय में ही हमने होटल ले रखा था। सो सुबह हो चुकी है, हम फ्रेश हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं आगरा की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली से हम आगरा तक 90 रुपीज़ में आए ट्रेन में। तो ये बार बार बोलता रहूँगा क्योंकि 90 रुपये यार बहुत ज़्यादा कम है यार, इतनी की तो मोमोज की प्लेट भी नहीं आती। चीप प्राइस पंकज भी बोला आज, गुंगा भी बोला। सो अब हम जा रहे हैं, अभी यहाँ से गाइस भगोता जा रहे हैं। भगोता ये यहाँ से यही तो खासियत है, यहाँ पे खाना और घूमना सस्ता पड़ता है। हाँ भाई कह रहे हैं यहाँ पे खाना और घूमना सस्ता पड़ता है, तो भगोता जा रहे हैं। वहाँ से फिर ऑटो रिक्शा जो भी मिलता है फिर वो हमको पहुँचाएगा ताजमहल, फिर मैं आपको वहाँ का पूरा व्यू दिखाऊंगा। तो गाइस वहाँ से हमने ऑटो का लिया था 15 रुपये में, उसने हमको कहाँ छोड़ा? भगोता। सो थोड़ी सी दूर जाना है तो तब तक हमने कुछ खाया नहीं था, तो हम अभी छोले कुलचे एक बार करते हैं। वहाँ जाना है।
ताजमहल की पार्किंग पे 20 रुपीज़ लेके ऑटो वाले ने उतार दिया हमको, और अब हम जा रहे हैं ताजमहल। यहाँ से आपको 100 रुपये में ऑटो मिल सकता है, रिक्शा भी मिल सकता है, एंड घोड़ा गाड़ी भी मिल सकता है। देखो ऐसा है, सो गाइस उसने हमको गेट के बाहर छोड़ दिया, वहाँ पे मतलब गेट नहीं, आप स्टैंड बोल सकते हैं, रिक्शा स्टैंड है, तो वहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ से वॉकिंग करके जाना पड़ेगा थोड़ी सी दूर तक। क्या करेगा फिर ताजमहल में जाके? वही जो तू करेगा। मैं तो बहन तो देखूंगा, तू क्या करेगा? तो भी कह रहा था अंग्रेजी नहीं के फॉरनर वगैरह कुछ। फॉरनर साथ में चल रही है। ये फॉरनर थोड़ा है। मुश्किल के बाद हम अंदर आए हैं। अराउंड 1.5 घंटा लग गया, 1.5 से 2 घंटा लग गया हमको। पहले टोकन लेना पड़ा, टोकन की इतनी लंबी भीड़, उसके बाद टोकन के बाद असली टास्क शुरू होता है जब एंट्री गेट एंट्री करना हो आपको। बहुत लंबी लाइन है, मतलब कहीं कोई कहीं से भी बहुत रश था। बस हम आ गए, अब अंदर जा रहे हैं। चलो कोई नहीं, मेन गेट पे आ गए हैं। आई विल शो यू। So guys, हम 7वें अजूबे पे आ गए हैं। 8वां अजूबा एरा, 9वां एरा, 10वां कैमरामैन, 10वां कैमरामैन ब्लॉगर भाई। अति सुंदर गाइस, पता नहीं ऐसी फोटो मेरे को भी खिंचवानी है लेकिन खींच नहीं पा रहे हैं। ये जो अजूबे हैं 8वें 9वें अजूबे। पर भाई मेरी तो खींच दे यार ऐसे पकड़ के फोटो। ये सिर्फ गर्ल्स से शादी खींची जाती है यार, पकड़ के फोटो सिर्फ। कैसे तेरे को कैसे खिंचवानी है? अगर पंकज को पकड़ के दिखाइए तेरे को कैसी फोटो खिंचवानी है आज से 5 साल बाद। जैसे मैं तू अपनी वाइफ के साथ, मेरी वाइफ हूं और ये बंदा है, खिंचवाऊंगा। अच्छा ये ऐसा मतलब बॉन्ड होना चाहिए। हाँ वो देखा है यार मैंने, यार है? यार मतलब ट्रू लव की वो है यार निशानी। अच्छा। ये निशानी तो दिखी रही है इतनी बड़ी, तो ये क्या है? ये देख दिखा ना, ये ऐसे टाइप में फोटो गिननी है, गिनने ऐसे टाइप में। सो गाइस 50 रुपीज़ की हमने टिकट ली थी, यहाँ से ताजमहल के अंदर जाने के लिए 200 रुपये की टिकट है, तो अंदर हम नहीं जाएंगे क्योंकि बाहर से ही देखने का मजा है ताजमहल, अंदर कुछ भी नहीं है। क्या क्या बोल रहा था भाई तू, मेरे को ये बता कि 3 बजे जाना है, टिकट पे लिखा हुआ है 3 बजे जाना है। अबे पहले कम से कम देख तो लिया करो, पता नहीं कौन से नशे में यार तू भी सारे नशे में है, पता नहीं कौन से नशे करके आया है। ताजमहल का नशा करा मैंने। बोल भाई बोल भाई, गलती हो गई तो गलती क्या हो गई यार? क्या गलती हो गई भाई? मैं तो परेशान कर रहे, चल 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 चल, इसको पकड़ रहा जाएगा। टिकट देख के भी अंधेरा कर रहा। प्लीज कीप डिस्टेंस फॉर मंकीज। मंकी तोरा मंकी बहन से इतना बड़ा मंकी लेके घूम रहे। थोड़ा हमसे दूरी बना के रखे। अच्छा लगा या नहीं लगा? मस्त लगा, मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया, हमने काफी एंजॉय किया और मजा आया काफी, मतलब सही था, है ना? एक्सपीरियंस अच्छा था। जो सो व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का प्रेस कर देना। काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की मैंने अपना व्लॉग, आप लोगों को अच्छा लगा हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, राघव राउत 05, मैं मेंशन कर दूंगा।
राघव राव 05 फॉलो करो, फॉलोअर्स गेन करो मेरे, सब्सक्राइब भी करो। सो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। क्या करना है फिर? अब कुछ तूफानी करेंगे। तूफान